नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की जयंती सपा कैंप कार्यालय पर मनाई गई। इस मौके पर नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि स्वर्गीय चंद्रशेखर की लोकप्रियता आज भी प्रासंगिक है, हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष शहीद मोहम्मद आजम शाह सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा तुर्क चंद्रशेखर जी का आज जन्म क्षति है, जिसमें समाजवादी पार्टी के वो न केवल संरक्षक रहे बल्कि समाजवाद के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को कुर्बान करने का काम किया और एक आदर्शवादी जीवन जीकर किस तरह से हम दलितों को, पिछड़ों को और समाज के वंचित तबकों को उनका सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने का अधिकार दे सकें, हमेशा से समाजवादी लोग इस बात के लिए संघर्षरत रहे हैं। श्री माया माता मंदिर की बरसी पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या की शुरुआत सौरभ वधावन, श्वेता वधावन, निपुण व वृद्धम द्वारा ज्योत प्रज्वलित की गई। दिल्ली से आए कलाकार महंत हरवंश लाल ने माता के सुंदर भजन गाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटना के विरोध में आज राष्ट्र लोक दल कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह चौक पर धरना दिया। जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में दिए गए धरने के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। आज राष्ट्रीय लोक दल ने उन्नाव में कठुआ के एक कांड के विरोध में यहाँ मौन धरना का आयोजन किया था।